नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फरुखाबाद के थाना क्षेत्र अमृतपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर कोटा वितरण में धांधली की शिकायत की जांच करने पूर्ति निरीक्षक गई थी। वह दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही थी। उसी दौरान प्रधानपति और कोटेदार समर्थकों में विवाद हो गया, इस पर जमकर हंगामा हुआ। प्रधानपति ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने प्रधानपति और इसकी राइफल को हिरासत में ले लिया। थाना क्षेत्र के ग्राम कुमरोर की राशन दुकान सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र यादव के पुत्र उमेंद्र यादव के पास है। विगत दिनों प्रधानपति आनंद विक्रम सिंह उर्फ बिट्टू परमार के समर्थकों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर रहा था कि कोटेदार दो महीने से राशन वितरण नहीं कर रहा है। डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को पूर्ति निरीक्षक नेहा गुप्ता कुमरौर के मजरा रामपुरा पहुंची और प्राथमिक विद्यालय में दोनों पक्ष के लोगों को बुलाकर बयान दर्ज करने लगे। उसी दौरान कोटेदार उमेंद्र यादव के समर्थकों को विद्यालय के पास ही प्रधानपति बिट्टू परमार से विवाद हो गया। विवाद के दौरान भीड़ एकत्रित हो गई। भी मौके पर कई राउंड फायर हुए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आनंद विक्रम की राइफल व कार कब्जे में लेकर आनंद विक्रम व भाजपा के बूथ अध्यक्ष सहित लगभग 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। आज थाना अमृतपुर के क्षेत्र ग्राम ब्रह्मपुरा में राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम जो एक शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच पे गई थी, वहाँ पर पूर्व प्रधान जो कि कोटेदार है और वर्तमान प्रधान दोनों के समर्थक वहाँ जांच के दौरान आ गए और उनके बीच में गाली गलौज मारपीट आदि की घटना हुई है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो उसमें उपद्रव करने वाले कुछ लोग थे उनको हिरासत में लिया गया है और जो भी इस घटना में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।